तो इजी पार्ट है वो मैं कर लेता हूँ, टांग खोलने का और नीचे लेट के हाथ जो था पोजीशन थी, मैं उसकी बात करूँ, योगा मैं उसकी बात करूँ, नो सीरियस टॉक, सीरियसली योगा। एंड जो आप ऊपर जाके कूद रहे, मतलब लंबा हो रहे थे, तो वो अलग सीन था, बाकी इट वाज गुड, नाइस नाइस। अच्छा, कितना नंबर देने वाले हो दोनों को? अच्छा नंबर, हाँ प्लीज, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा भैया। हम पूरा नंबर देने वाले हैं क्योंकि इन्होंने बहुत कोशिश की और फेल हो गए, और चॉकलेट भी खिलाया, कोशिश की और फेल हो गए, कोशिश की okay. अच्छा किया, बहुत अच्छा किया, कोशिश के लिए 10 out of 10 और बाकी एक्चुअल रिजल्ट्स के लिए कितने हम 0 out of 10 नहीं नहीं, जो करता है उसको ही आता है, मैं सही कह रहा हूं, स्पिरिट ऑफ मैटर। अच्छा, क्या लगा आपको कि क्या ऐसी चीज थी जो ये कर नहीं पाए सही तरीके से? वैसे हमारे तो बहुत हार्ड मोमेंट रहते हैं, लेकिन वो बचपन से फ्लेक्सिबिलिटी है, एवरीडे करना पड़ता है, इनके फ्लेक्सिबिलिटी वैसे इतनी नहीं है, इसलिए वो ज़्यादा कुछ करने पाए। सर एक्चुअली ये बहुत बड़ा फैक्टर है, बिकॉज जब आप जिम में जाते हो ना डेली बेसिस, तो क्या होता है कि उसमें जिम में मसल पंपिंग के चक्कर में फ्लेक्सिबिलिटी कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है, तो आप इतना ज़्यादा बेंडिंग वगैरह आपकी मूवमेंट्स खत्म हो जाती हैं, आप कार्डियो भी करते हो, रनिंग वगैरह करते हो, तो उसमें भी फ्लेक्सिबिलिटी इतनी ज़्यादा नहीं होती, बट शायद वो चली जाती है, लेकिन आई एम श्योर ये योगा जो कर रहे हैं काफ़ी अच्छा इन्होंने किया, एंड फ्लेक्सिबिलिटी लाने के लिए फिर वही आपको प्रैक्टिस तो स्टार्ट करनी पड़ेगी, थोड़ी प्रैक्टिस ही बात आ जाएगा मेरे, थोड़ी प्रैक्टिस तो एक्चुअली बहुत अच्छा पॉइंट रेस किया इन्होंने कि फ्लेक्सिबिलिटी थोड़ी कम है। कारण ये है कि हमारे इंडिया में एक है कि एजुकेशन सिस्टम में स्पोर्ट्स का या फिजिकल एक्टिविटीज़ का इतना बड़ा इंपॉर्टेंस समझा नहीं जाता। जब हम भी स्कूल में थे तो आई डोंट रिमेंबर कि कब हमें मोटिवेट किया गया हो, जाओ बेटा स्पोर्ट्स की क्लास है, पीटी की क्लास है या जो भी, उल्टा कहा जाता था कि भैया क्लास में बैठो, पढ़ाई में ज़्यादा जोर लगाओ। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंटली मेट्रोज में आजकल हो रहा है, देयर लॉट ऑफ स्पोर्ट्स दैट चिल्ड्रन आर प्लेइंग राइट नाउ, बट छोटे शहरों में अभी भी वही हाल है। तो अगर हम बेसिक लेवल से स्टार्ट करेंगे अपने बच्चों को किसी ना किसी तरह की स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में डालने के लिए, तो ही 10 साल बाद जाके आप रिजल्ट देख पाओगे। एक और चीज़ है, आजकल ज़्यादातर हम देखते हैं इंडस्ट्री में भी, चाहे टेलीविजन इंडस्ट्री हो या बॉलीवुड इंडस्ट्री हो, उसमें वर्कआउट जिम में जाकर जो एक्टर हैं या एक्ट्रेस हैं ज़्यादा पसीना बहाते हैं, और जो जो योगा का जो चलन है बहुत प्राचीन समय से है और आज भी है कहीं ना कहीं, लेकिन बहुत कम होता जा रहा है, उसको आगे लाने की ज़रूरत है, बहुत बहुत बड़ी ज़रूरत है। और आपने बिल्कुल सही बोला, आजकल एक जिन लोगों के दिमाग में बैठ गया है कि भैया जिम में जाके ही बॉडी बनेगी या फिर, तो फिर उस हिसाब से अक्षय कुमार जी को तो घर ही बैठना चाहिए था, एंड ही इज़ द फिटेस्ट गाय। तो ऐसा नहीं है कि जिम जाके ही सब कुछ होता है, देर लॉट ऑफ अदर थिंग्स। आई मीन मैं मार्शल आर्ट्स करता आया हूँ, मेरे को 6-7 साल हो गए, तो आई थिंक मार्शल आर्ट्स करो, स्विमिंग करो, गेम खेलो, सब चीज़ों को मिक्स करना चाहिए, और आजकल ट्रेंड ही वो चल रहा है। तो जिम एक पुराना कॉन्सेप्ट हो रहा है मेरे ख्याल से, मेट्रोज में तो हो रहा है, तो जो हम देख भी रहे हैं आजकल, एक्टर्स हों या सेलिब्रिटीज़ हों, सब फॉलो कर रहे हैं। थैंक यू, प्लेजर, थैंक यू।